आज मैं आया हूँ एक नालचिक शहर से 180 किलोमीटर दूर ग्रोजनी सिटी में। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू द मिनी दुबई। और देखिए इसके पीछे है एक बहुत प्यारी सी जगह, आपको दिखाता हूँ। वाओ, मतलब काफ़ी वाइब्स आ रही हैं अच्छी वाली। शॉर्ट्स में था, उन्होंने रोक लिया कि अंदर नहीं जा सकते मॉल में शॉर्ट्स में। हेलो गाइज, हरर महादेव, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ किशन चौधरी, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ कबर दिनो बालकिया स्टेट यूनिवर्सिटी। सो गाइज़, लेट हो गया ब्लॉग करने में, थोड़ा लेट हूँ मैं एक्चुअली। आज मैं आया हूँ एक नालचिक शहर से 180 किलोमीटर दूर ग्रोजनी सिटी में, एक यूनिवर्सिटी को कवर करने आया था। लेकिन ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, वो ब्लॉग अलग आएगा, ये अलग है। तो उसमें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, और इसमें मेरा पर्सनल, मैं आपको सिटी रोम कराऊंगा, दिखाऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे और क्या सिनेरियो है, कैसा शहर है। अभी तक मैं पहुँचा था शाम को, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था सिनेरियो, सब चीज़ अच्छी थी। बहुत डेवलप्ड सिटी है, बहुत प्यारी। अभी दिखाता हूँ मैं, आप खुद देखना और बताना मेरे को आपको कैसे लगा शहर। और अबाउट यूनिवर्सिटी मेरा दूसरा ब्लॉग आएगा, आप उसमें देखना। अबाउट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप हॉस्टल्स वगैरह जितनी भी सारी वीडियो उस व्लॉग में आएंगी, और इसमें सिटी रोम आएगा, आपको दिखाऊंगा मैं सिटी कैसी है ग्रोजनी। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ जल्दी। और ये हमारी गाड़ी, इस गाड़ी से हम नालचिक से आए हैं। ये हमारा ड्राइवर है, काफ़ी इनोसेंट है, मतलब काफ़ी कहने मानने वाला बंदा है, हर चीज़ को मतलब मान रहा है, हम जहाँ भी बोल रहे हैं ले जा रहे हैं। अभी चलेंगे, रेडी है ये, और शहर की तरफ चलेंगे। शाम के 8:30 बजे हैं, काफ़ी सारी रौनक है, मतलब जिस हिसाब से शहर का नाम मैंने सुना था कि काफ़ी डेवलप है, उसी हिसाब से मेरे को रौनक लग रही है यहाँ पे। मतलब रौनक मींस के काफ़ी लोग एक्टिव हैं। अभी दिखाता हूँ आपको पहुँचने के बाद। आज हम देखेंगे ग्रोजनी की नाइट लाइफ, काफ़ी तारीफ सुनी है यहाँ की, इस सिटी की काफ़ी डेवलप्ड है। मानस हंस रहा है, मानस मेरे साथ है, निखिल राहगीर निखिल मेरे साथ है, संजय मेरे साथ है। क्यों, हेलो हेलो बोलो मेरे व्यूअर्स को। हेलो हेलो गाइस, ठीक है। तो अभी हमें सेंटर ऑफ द ग्रोजनी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैक व्यू कैसा है। देखिए ये है ग्रोजनी, वेलकम टू द मिनी दुबई। एक्चुअली यहाँ के लोग मानते हैं ये मिनी दुबई है, रात के डालेंगे ना। वाओ, अच्छा रोचिन द्वारा इन बिल्डिंगों के ऊपर जाने से पूरा शहर देखने के लिए 1000 रुपये लगते हैं। और देखो आप पीछे मेरा मिनी दुबई है, और ये देखो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50 सेकंड है बस। लग गया। अरे यार 706, वाह वाह यार। मानस ट्राई करेगा? नहीं नहीं मैं करता हूँ। ये राहगीर निखिल,
ये रागिर निखिल क्या हो गया यार, पैसा खत्म, पैसा तो डालो। अरे नहीं अभी बचा है यार, 5 क्रेडिट बचा हुआ है। 5 क्रेडिट से नहीं होता, 10 से होएगा, 5 और डालना पड़ेगा। 50 रुपए, एक 10 रुपए डालो, 10 रुपए डालो। 6 क्रेडिट बढ़ गया ना जी। हाँ नहीं यार है, क्रेडिट है, 10 का एक है। गई पचास रुपए डाले इसमें और उसमें 5 क्रेडिट आए, मतलब 5 बार मारने के लिए। लेकिन एक ही बार में, मतलब एक ही बार मारा, उसके बाद यूज ही नहीं रहा। नहीं मत खोलो मामा ऐसे, चलो आ जाओ, इतना ताकत अरे ठीक है ना, हाँ आ जाओ। अरे यार उसमें देखो एक ही अटेंडेंस है, पूछते हैं हमारा राजू कहाँ है। राजू रबो शायद बरात, और वो ऊपर की घड़ी अटक गई है। नहीं नहीं चल रही है, सही तो बजे भाई, करेक्ट वही बज रहे हैं, देखो ना। हाँ हाँ अरे चालू हो गए, काफी अच्छा माहौल है, झूला वगैरह है, यहाँ पे बच्चे हैं, देखिए ये बच्चे मर्सिडीज दावा है बरात, ये देखो कई। अरे ये मेरे को कई तरह से आता है अपने ऊपर, पापा ने मेरे को 3 पहिए का वो लकड़ी का बनवा दिया था, वहाँ से कारपेंटर के पास जाके उसी से चलना सीखा था मैं। ये देखो ये बक, ये लोग जा रहे हैं और आगे हमारा ड्राइवर, ट्रेन 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 ये हमारा राजू, राजू ड्राइवर रेड टी शर्ट में आगे, ये देख मस्त तो एकदम घुमा रहा है ये हमको, मतलब ये यहाँ पे छोटा सा पार्क है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, मैंने काफ़ी सुना है इस पार्क के बारे में, अभी देखते हैं कैसा है ये। मैक हाउस, मैक हाउस खाना है कुछ, ये डबल डेकर बस खुली हुई है, और देखिए इसके पीछे है एक बहुत प्यारी सी जगह, आपको दिखाता हूँ, ये देखो है ब्यूटीफुल है, नो डाउट काफ़ी अच्छा ये पार्क है यहाँ पे। ये इसी बिल्डिंग से जस्ट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा ये पार्क है, और अभी बताता हूँ एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हालांकि इनको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और आपको दिखाता हूँ पार्क, देखो ये घास से बनाए गए, ये बुल है, काफी प्यारा बनाया है, जिराफ सारे एनिमल्स बनाए हुए हैं, हाथी भी है इधर, ये हाथी है, शेर है। ब्यूटीफुल पे ना सामने मॉस्क है, अभी हम उधर भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं क्या, मतलब कितनी ब्यूटीफुल वो मॉस्क है, दिन में देखे थे हम लेकिन अभी रात का नज़ारा कुछ और है उसका, मॉस्क का। और ये देखिए ये पार्क, ये भी प्यारा कुछ बना हुआ है। संजीव क्या, संजीव क्या बताना चाहेंगे ग्रोजनी के चलते मेरे व्यूअर्स को। भैया देखो जो भी ग्रोजनी आता है यहाँ पे सिर्फ यही पार्क देखने के लिए आता है, ये हाँ। पार्क सबसे बड़ा पार्क है यहाँ का, सही बात है। और ये वाला जो बिल्डिंग है, हाँ, ये जो देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग जो है ये है सबसे यहाँ का हाईएस्ट। और ग्रोजनी, और ग्रोजनी में ऐसा चीज़ है कि ग्रोजनी में बड़े बड़े बिल्डिंग ही है, सबसे ज़्यादा फेमस है ये। हाँ मतलब डेवलप्ड है काफ़ी, जो आस पास के जो सिटीज हैं काफ़ी डेवलप्ड है। और ख़ास बात ये है शहर की कि यहाँ पे मतलब हर
हर गली में आपको एक मॉस्क मिलेगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। मतलब और देखिए वहाँ पे मेरे को एक और ब्यूटीफुल सी चीज़ दिख रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अंधेरा है अभी यहाँ पे, ये देखिए सामने अभी दिखाता हूँ आपको। ये मॉस्क है जो सामने आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ का वो जो सामने आप देख रहे हैं गाइज, वो मॉल है। हम दिन में वहाँ पे गए थे और अभी फिर से जा रहे हैं, क्योंकि दिन में हम कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमको यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है चिचिन स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ जाना था, तो इसलिए हम कवर नहीं कर पाए थे। अब फिर से जा रहे हैं उस मॉल में देखने, मतलब अच्छा लगा था हमको। और बाकी सामने मॉस्क, अभी वहाँ पर चलेंगे मॉल के सामने का आपका नज़ारा दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आया ये शहर। तो मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे ग्रोजनी के चलते, तुम्हारे रिव्यू मेरे को बताओ मानस। रिव्यू ये है मेरा कि बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है। लोग उतने ज़्यादा मतलब किसी से घुल मिल नहीं रहे जहाँ तक मैं देखा। हाँ, सब अपने में हैं। और बाकी मॉल्स वॉल्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, तो ग्रॉसरीज वॉसरीज की भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है और डेवलप्ड है। मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छी सिटी है मोस्टली अगर देखा जाए तो। हाँ, मतलब अगर प्रायोरिटी रखें, प्रायोरिटी रखते हैं तो मुस्लिम्स के लिए काफ़ी अच्छा शहर है। अच्छा शहर है उनके, मतलब से मॉस्क वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लाइक मैंने अभी बताया कि हर गली में, मतलब यहाँ पे हर स्ट्रीट पे एक मॉस्क मिलेगा। और जो यहाँ का जो सबसे बड़ा मॉस्क है वो कितना ब्यूटीफुल है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। बाकी हम अच्छा एक्सपीरियंस है, हम अब ऐसा पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए ही नहीं है पर मतलब रह सकते हैं, लेकिन मतलब एक मेजॉरिटी हम मुस्लिम्स की ज़्यादा, लेकिन अच्छा है, मेरे को लगा काफ़ी अच्छा लगा। हम आज यूनिवर्सिटी भी गए दोनों, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैंपस भी गए, वहाँ भी मतलब काफ़ी हमारे साथ के लोगों ने बात करी, लेकिन मेरे को ना डेवलप्ड के मामले में काफ़ी अच्छा लगा यार। मैंने काफ़ी सारे शहर घूमा हूँ, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी बात अलग छोड़ो, जैसे मॉस्को, पीटर्सबर्ग, सोची वगैरह हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मेरे को शहर काफ़ी डेवलप्ड लगा। टूरिज्म भी है, टूरिज्म है काफ़ी। आज हम होटल के लिए कितना भागे, हमें होटल नहीं मिल रहा था इसी वजह से कि यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, सब होटल वगैरह सब भरे हुए थे मस्त एकदम। हमने काफ़ी ढूंढा, हमारा लास्ट ऑप्शन था कि चलो अगर ये लास्ट में नहीं मिलता है तो फिर हम निकल रहेंगे रात आज ही शाम को। लेकिन देखिए एक और जगह आई है बहुत प्यारी, वाह। ये यहाँ पे रिवर है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये सेंटर है, एक्चुअली सेंटर है, और इसी के जस्ट सामने ये बिल्डिंग्स हैं जो मैं आपको तब दिखाया था। जस्ट सामने मॉल है, मॉल भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ग्रोजनी मॉल आप देखो, ग्रोजनी मॉल और उसके जस्ट सामने ये प्यारा सा मॉस्क। वो ये जो व्यू है, वाह, जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये ग्रोजनी का मस्जिद है, काफ़ी फेमस मस्जिद है, और ब्यूटीफुल सा ट्री लगा हुआ है इसके जस्ट बाजू से। आप देख रहे हैं बहुत प्यारा मॉस्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब काफ़ी वाइब्स आ रही हैं अच्छी वाली, और लोग भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो यहाँ पे घूम रहे हैं। और इसी के जस्ट सामने ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मॉल है। मतलब यार मेरे को अच्छा लगा शहर, और एक बार और आऊँगा मैं सून, कोशिश करूँगा जल्दी आने की,
क्योंकि मेरे को शायद यूनिवर्सिटी में काम पड़ सकता है यहाँ पे। मज़ा आ गया। दिखाता हूँ आपको और शहर आगे मॉल वगैरह। बाकी देखो मॉस्क जस्ट लगी हुई बिल्डिंग्स, जस्ट लगा हुआ मॉल, रोजनी मॉल, मानस को छुआ है, आगे निकल फोटो खींच रहे हैं, पेड़ है और अच्छा मौसम है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, अरे मत जाओ घूम जाओगे। अरे इसमें कहाँ घूमूंगा यार, लोग झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। शाबाश मेरे चीज़। हाँ देख लेंगे। अरे ऊपर से मानस शॉर्ट्स में था तो उन्होंने मानस शॉर्ट्स में था उन्होंने रोक लिया कि अंदर नहीं जा सकते मॉल में शॉर्ट्स में, तो मानस बोला कि मैं इसको यहीं से खरीदा हूँ दिन में, तब उसको अंदर जाने के लिए परमिशन थी। अभी 3 बार और अखराना रोक दिया इसको। कैसा फील हो रहा है? ये चढ़ता है, ये चढ़ता है, ये चढ़ता है। 1300 का कटा हुआ, 1300 से कटा हुआ। शॉपिंग वगैरह ऑलमोस्ट कर लिए हैं, काफ़ी प्यारा अच्छा था। 10 बज गए ऑलरेडी और अभी हम खाने के लिए चल रहे हैं। काकू के बैटरी भी नहीं है फ़ोन में, तो ब्लॉग को एंड करता हूँ। होप सो आपको सिटी पसंद आई हो। सारी सिटी नहीं दिखा पाया क्योंकि हम काम से आए थे, काम हमारा हो गया। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।